यह वीडियो भी काल्पनिक है, पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए, इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए, और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए। थैंक यू। सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। मालूम है अभी लॉकडाउन में घर से चलते ही कुछ दूर चलते ही पुलिस वालों की गंदी नजरें हमारे पिछवाड़े ढूंढने में लग जाती है, तो भैया इसलिए अपने अंदर लट फैलवाने से अच्छा मैंने वर्जिन रहना बेहतर ऑप्शन समझा, और सोचा क्यों ना घर बैठे बैठे कुछ ऐसा देखा जाए जिसमें हाउसफुल वाली कॉमेडी, एक विलन जैसे मर्डर्स और एकता कपूर के वेब सीरीज जैसा शुद्ध शाकाहारी सस्ता वाला रोमांस हो। जुर्म के खिलाफ आवाज। अब देखो भैया, जैसा प्यार करण जौहर को नेपोटिज्म से है, सोनम कपूर को ट्विटर से है, राखी सावंत को दीपक कलाल से है, सेम टू सेम डिट्टो वाला प्यार क्राइम अलर्ट वालों को ठुकैये से है। अब देखो, अगर तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं होता ना, तुम ये वाली रिपोर्ट देखो जाओ। पति की जरूरत गैर मर्द ने पूरी की, ससुर बहु हॉट रोमांस, अनसेटिस्फाइड वाइफ, आंटी से प्यार, टाइम अलर्ट हॉट एपिसोड, मांग मेरी भरो, HD हॉट क्राइम अलर्ट। कुछ भी, कुछ भी। क्राइम अलर्ट कब से हॉट होने लग गए बे? ये तो वही वाली बात हो गई कि बाबा रामदेव पतंजलि के नहीं बल्कि पॉर्नहब के फाउंडर। मुझे पता है इस बात, ये बात उतनी ही सच है जितने की ये बात सच है कि तुम मेरी वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब बटन दबाओ। सब्सक्राइब किया करो। अब देखो, हम क्राइम अलर्ट की ले और थंबनेल को वर्जिन छोड़ दे, मालिक ये कहां का न्याय हुआ? तो आओ थोड़ा यार थंबनेल पे टिप्पणी कर ले। तो देखो, एक शब्द होता है क्लिकबैट, जो इनके थंबनेल्स में 200 किलोमीटर दूर से दिखाई पड़ता है। मानो एक बार गलती से भी तुमने एक बार इनका थंबनेल देख लिया ना, तो तुम्हारे मन तरंग में बस एक ही गाना बजेगा, बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबाता है, ले ओ। और एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ऐसे झुक के मांग भरने को कौन बोलता है बे? नहीं मतलब बंटी समझा क्या? क्योंकि बंटी तो चूतिया है। देखो, मैं बार बार लगातार यही बात बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों के मूंगफली में जान भरने का काम करते हैं ये टीवी सीरियल्स, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रेज तो इनका बच्चों में ही है। झूठ बोल रहा है। अब देखो, तुम में से ऐसे कई भैरंड चूतिए होंगे जो कमेंट बॉक्स में आके राम रहीम का ज्ञान पेलेंगे। अबे लोडू, ये सब तो असल जिंदगी में भी होता है, उस टाइम तो तू कुछ बोलता नहीं। तो दोस्तों, तुम लोगों को बस मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। A few moments later, अबे चाचा चौधरी के चौथे चूजे, असल जिंदगी में तो कोठे पे नंगा नाच भी होता है, वो भी दिखा दे, पॉर्नहब बना दे। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। एक तो ये यूट्यूब वाले हरामी, ना तो किसी वीडियो में कम्युनिटी वायलेंस, ना तो किसी वीडियो में एज रिस्ट्रिक्शन, ऐसा लगता है साले सभी के सभी एक साथ अपने कान में सांडे का तेल लगाकर एक ही बेड पर फील लेके सो गए हो। लेकिन ना 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 ना, अगर मैं एक अधनंगी तस्वीर भी अपने वीडियो में यूज कर लूँ ना, तो सालों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, खून की उल्टियां करने लगते हैं बे। Two hours later. और जहाँ तक मेरी सोच जाती है, क्राइम अलर्ट क्राइम रोकने का तो पता नहीं, लेकिन लॉन्डो को क्राइम करने का अलग अलग ताजा ट्रेंडिंग फ्रेश आइडिया जरूर देके जाती है, जैसे कहाँ ठोकना है, ठोकने के बाद सबूत कैसे मिटाने हैं, पुलिस का चूतिया कैसे काटना है, फलाना ढेकाना। अबे ये तो बस परंपरा निभाने के लिए हर एपिसोड के लास्ट में पुलिस को विजयी घोषित कर देते हैं, वरना इनका बस चले ना तो व्यूज की लालच में ये हर बार क्रिमिनल को पद्म भूषण दे दे। भाईसन कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। मुझे भी पता है ज्यादा हो गया, पर क्या कर सके यार, मुझे क्राइम अलर्ट को देख के मतलब उसके थंबनेल्स और उनके पढ़ो तो सही क्या टाइटल रहता है बे, ऐसा ऐसा टाइटल रहता है, पॉर्नहब वाले वैसा टाइटल देना छोड़ चुके हैं। अभी चलते हैं, तुम जो वीडियो देख रहे हो ना, उसके नीचे लाल बटन होता है यार, उसको सब्सक्राइब करना होता है, वो काला हो जाता है, उसको काला कर दो ना, मार मार के सुझा दो उसको काला कर दो, और बगल में नोटिफिकेशन बेल भी होता है, उसको दबा दो, टन जैसे घंटे की जैसा हिलेगा, और समझो तुम्हारी
चार धाम यात्रा पूरी हो गई, सावन शुद्ध हो गया तुम्हारा। कमेंट तो तुम करते ही हो, लाइक तुम करोगे ही, शेयर कर देना, शेयर बहुत जरूरी है। फिर मिलेंगे, चलते हैं फिर। हैशटैग स्टे होम, हैशटैग स्टे सेफ, मचाते रहो, बाय। नहीं मतलब कुछ भी सीरियसली कुछ भी। देखो तीन बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि ज्यादा इफेक्ट लगे और वॉच टाइम भी बढ़ रहा है, तुम शायद देख नहीं पा रहे। नहीं मतलब कुछ भी ना। अब देखो तुम में से ऐसे कई भैरंड चूतिए होंगे जो कमेंट बॉक्स में आके राम रहीम का ज्ञान पे लेंगे।